सकते हैं इसके आए जो है बगल में कितने श्रद्धालु हैं। जय बागेश्वर धाम। अभी हम मौजूद हैं बागेश्वर धाम में और सामने देख सकते हैं ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट। ये देख सकते हैं ये रहा पुराना वाला राम दरबार। यहाँ होती है भभूति वितरण। अभी हम आपको रात्रि का दृश्य दिखला रहे हैं, तो चलिए हम आपको आगे का भी दृश्य दिखला देते हैं थोड़ा सा। ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट। ये आप सामने देख सकते हैं ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट और इसी रास्ते से जाते हैं श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये सामने आप देख सकते हैं इसी की जस्ट बगल में और ये श्री राम दरबार है पुराना वाला और इसी में होती है भभूति वितरण। आप सामने देख सकते हैं ये रहा इसी में श्रद्धालु जाते हैं भभूति वितरण के लिए। और अभी हम आपको दृश्य दिखला रहे हैं श्याम के भक्त का। देख सकते हैं यहाँ पर जा रहे हैं भभूति लेने के लिए श्रद्धालु। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से और बने रहिएगा ब्लॉग्स में। हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देने वाले हैं इस ब्लॉग्स के अंदर। तो आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और सामने देख सकते हैं ये रहा मंदिर का फ्रंट गेट। इसी से एंट्री होती है बालाजी के मंदिर के लिए। और ये रहा श्री राम दरबार। तो चलिए हम आपके मेन गेट के अंदर थोड़ा अंदर का दृश्य दिखलाते हैं हम आपको। तो आप देख सकते हैं कितनी जोर से भक्त लोग जयकारा लगा रहे हैं बागेश्वर धाम का। तो चलिए हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये देख सकते हैं पीपल का पेड़। ये आप देख सकते हैं भीड़ का दर्शन कीजिए। सबसे पहले रेलिंग के बगल में आप लोग देख सकते हैं कितने श्रद्धालु बैठ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इसके आए जो है बगल में कितने श्रद्धालु हैं। गुरु जी के आने से पहले भीड़ देख सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये रहा राम दरबार और इसके बगल में ये मंदिर का फ्रंट गेट। आप लोग दर्शन कीजिए। सबसे पहले जो है भीड़ काफ़ी मात्रा में आ चुकी है और अभी तो जो है गुरुदेव जी भी नहीं आए हैं। और गुरुदेव जी के आने से पहले ही आप लोग भीड़ का कुछ इस प्रकार दृश्य देख सकते हैं। आप लोग वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा कवर दिखाने का प्रयास करेंगे।
और भीड़ का कुछ इस प्रकार दृश्य दिखाई देता है। हम लोग आपको दिखला देते हैं और बने रहिएगा ब्लॉग्स में, हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी देने वाले हैं इस ब्लॉग्स के माध्यम से। और आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का कुछ इस प्रकार दृश्य दिखाई देता है और श्रद्धालु देख सकते हैं यहाँ पर रुके हुए हैं। जस्ट यज्ञशाला के सामने टीन सेट है, इसके नीचे श्रद्धालु रुके हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये रहा नारियल, आप देख सकते हैं नारियल की संख्या कितनी संख्या में यहाँ पर डली हुई है। पास ही में बागेश्वर धाम का मंदिर सामने देख पा रहे होंगे, रात्रि के समय में हम आपको दृश्य दिखला रहे हैं। और बगल में इसके बागेश्वर धाम का कार्यालय, और ये नारियल आप लोग देख सकते हैं इसके, ये रहा कुछ इस प्रकार का दृश्य। लोग रुके हुए हैं, हम आपको सारा दृश्य दिखला रहे हैं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लाइन में लगेंगे तभी आपको भगवती मिलेगी, नहीं तो तब तक चलेगा जब तक सबको नहीं मिल जाएगी। पुरुष अलग और महिला अलग।